हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर लवर मीनाक्षी। मैं आपका स्वागत है। तो मैं आज अपने गार्डन का एक छोटा सा प्लांट दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर प्लांट दिखाती हूँ, ग्रीन ग्रीन। तो ये दोस्तों अजवाइन का प्लांट है, देखिए पौधा कितना सुंदर है। तो ये इजी टू ग्रो भी होता है दोस्तों, मतलब ये आसानी से लग जाता है। इसकी एक छोटी सी टहनी भी लगा दोगे ना तो ये आसानी से ग्रो कर देगा। देखिए कितना सुंदर है, रोएदार, और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। तो मैंने भी इसे 2-3 महीने हुए उसे लगाया था, देखिए कितना घना हो गया है दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सकुलेंट प्लांट है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे कहीं भी आप रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। आजकल बारिश हो रही है ना, तो मैंने इसे बरामदे में रख दिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसमें ना औषधीय गुण से भरपूर है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे लगाया है। आप भी लगाइए इसको ना, कहीं से भी मिल जाए इसकी टहनी तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए। इसे बहुत ही इजी लग जाएगा, ऐसे नहीं कि कोई बहुत उसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। बस थोड़ा सा आप टहनी कोई भी ऐसे लगा दीजिए, तोड़ के थोड़ी सी हार्ड इसकी स्टेम लग के आप लगा दीजिए। इसमें इतनी अच्छी खुशबू भी आती है इसे ना। तो इसमें क्या गुण है, इसे जैसे पाचन ठीक नहीं है तो इसके पत्तियाँ भी आप चबा सकते हैं। तो इससे कहते हैं कि इसके पत्तियां चबाने से पेट के पाचक रस उत्पन्न होता है, और जिससे कि हमारा खाना पचता है, मतलब अच्छा होता है पेट के लिए। जितना मुझे पता है दोस्तों उतनी मैं आपको जानकारी दूंगी, आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हूँ मैं। और दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और ये जुकाम खांसी के लिए भी बहुत रामबाण इलाज करता है। कि इसकी 2-4 पत्ती ले लीजिए और पानी में आप धो धा के डाल दीजिए, और जब 3/4 भाग हो जाएगा इसका पानी का, तो आप इसे फिर इसका जो पानी का छान के पत्तियां छान के फिर इसका काढ़े के रूप में पी लीजिए। इसमें थोड़ी शहद भी डाल सकते हैं आप। तो ये आप 3-4 दिन इसे करोगे तो आप पे फ़र्क देखना। ये मतलब ऐसा है कि दिखने में भी सुंदर है और इसमें गुण भी है, औषधीय गुण। देखिए कितना घना हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। इसे आप ना ज़्यादा पानी में ना रखें क्योंकि ये गल सकता है, इसकी ना टहनियाँ, ये क्योंकि सकुलेंट प्लांट है। इसलिए दोस्तों देखिए आज मैंने कहा इसी का वीडियो बना लेती हूँ। दोस्तों आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी देना। बाय दोस्तों।